दिनांक 7 जून को नया नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में गीता काजीप करके सोसाइटी है, वहां पे सातवें फ्लोर सातवीं मंजिल से एक फ्लैट है, वहां से बदबू आने का इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहां पे देखा, वहां से बदबू आने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कन्फर्म की। वहां पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहां पे चॉक किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिविंग रिलेशन में रह रहा था उधर, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, ऑफिस को भी अरेस्ट किया गया। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजू हॉस्पिटल में भेजे हैं। इस घटना के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302-201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआर श्री वनकुटी कर रहे हैं। कुछ नहीं, नॉर्मल थे वो, फैमिलियर थे नहीं, वो अपने से अपने मतलब रखते थे। 3 साल से मेरे को नाम भी नहीं मालूम था उनका क्या है। और सर कुछ फैमिलियर थे नहीं, कोई फेस्टिवल कोई त्योहार में कोई बाहर नहीं आते थे, वो अपने रूम में ही रहते थे। और इस बात की जानकारी आपको अंदाजा कैसा हुआ, और आप पुलिस को कॉल पहले किसने किया, फिर घर खुलने के बाद क्या मंजर था? अंदाजा मुझे ही हुआ था, मंडे इवनिंग या ट्यूजडे मॉर्निंग तक एक स्मेल आ रही थी, चूहा मर जाता ना वैसे स्मेल आ रही थी। हम तो कभी ऐसे सोचे भी नहीं थे कि कभी ऐसा अपने घर के बाजू में होगा, हमें लगा कि नॉर्मली कोई चूहा मर गया रहेगा। तो ये सब चीज़ें तो हमने खाली टीवी और सीरीज में देखी है कि ऐसा चीज़ें होती है, हमने लाइफ तो कभी देखा नहीं था। तो कैसा हुआ, मंडे को आया मेरे को स्मेल, तो मैंने घर में ढूंढा पहले कि घर की खिड़की से आ रहा था, तो सोफा वफा देखा मैंने, बाजू वाले भाभी रहती उनके यहाँ देखा, कुछ नहीं था। फिर उनको मेरे को डाउट ही नहीं था क्योंकि वो कभी थे ही नहीं, खोलते नहीं थे, ताला आधे टाइम ताला रहता था उनके घर पे। तो वेनेसडे को मैं आफ्टरनून में आया ऑफिस से, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब खिड़की विंडो से सब जगह से स्मेल आ रही थी। तो मैंने उनका घर जाके नॉक किया तो कोई रिस्पांस नहीं था, अंदर थे वो, ताला नहीं लगा था। सेकेंड टाइम जब नॉक किया तो रूम फ्रेशनर मारे पूरा मेरे घर में, तब शक हो गया मुझे कि कुछ गलत है, नहीं तो खोल के बात करते ना अगर कुछ ऐसा रहता तो, अगर डक वक की स्मेल आ रही तो बात करते कि डक भर गया है तो बाहर आ रहा है। तभी भी नहीं खोला उन्होंने, 5-10 मिनट में खड़ा रहा, उसके बाद नीचे चला गया। नीचे गया तो 15-20 मिनट वो खुद भी आए नीचे ले जाने के लिए बैग भी लेके। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा कुछ है शायद आपके घर में स्मेल आ रही है, मेरे घर में स्मेल आ रही है, सब रहते हैं थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, एक बार देख ले तुमने घर में शायद कोई खिड़की पे कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा, टैरिस से गिर विर के कुछ भी। तो उनने रिस्पॉन्स दिया, बोला मेरे को अर्जेंटली जाना है बाहर। तो मैंने बोला एक 5 मिनट देख लेते उसमें क्या है, फिर आप चले जाना। बोले नहीं अर्जेंट जाना, मैं 10:30 बजे आता हूँ, फिर आप देखते क्या कर सकते। ठीक है जाओ। तो मैंने बिल्डिंग में बोल दिया सेक्रेटरी चेयरमैन को कि ऐसे ऐसा इशू है, क्योंकि वो स्प्रे जो मारा था ना, स्प्रे के बाद खोला भी नहीं और डायरेक्ट वो बाहर, और जब वो नीचे उतरे थे तो उनकी बॉडी में से वैसी स्मेल आ रही थी। तो मुझे और शक हुआ कि मतलब कुछ गलत तो है, नहीं तो बॉडी में से कैसे स्मेल आती, क्योंकि वो सेम स्मेल बॉडी में से भी आ रही थी, और फिर वो डरे भी थे, जब मैं बात कर रहा तो आंखें लाल और डरे हुए थे वो, तो वो निकल गए वो। फिर मैंने सेक्रेटरी चेयरमैन को फ़ोन किया, तो सेक्रेटरी ने जो एजेंट इनको रूम दिलाया था वो एजेंट को फ़ोन किया, वो हाफ एन आवर 15-20 मिनट्स में वो एजेंट भी आ गया था। एजेंट आया तो मुझे फोन किया उसने, तो मैं बाहर गया तो मैंने ऐसे ऐसा है घर में स्मेल आ रही थी, तब स्मेल नहीं आ रही थी, रूम फ्रेशनर मार दिया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।